हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लॉ ऑफ टॉट। तो आज हम समझेंगे टॉट। ये फर्स्ट सेमेस्टर में होता है और ये क्लैट में भी आता है, ये नेट में भी आता है और इसके यूट्यूब में बहुत कम वीडियोस हैं। तो मैं एक फुल कोर्स टॉट के यूट्यूब पे बनाने वाला हूँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं टॉट क्या होता है, सिंपल एंड क्विकली समझेंगे, ठीक है? चलिए, तो टॉट वर्ड कहाँ से आया है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो टॉट वर्ड एक लैटिन टर्म है जिसको लैटिन में टॉर्टम कहा जाता है और टॉर्टम का मीनिंग होता है टू ट्विस्ट। अब हम समझते हैं इस ट्विस्ट का मतलब क्या होता है। ट्विस्ट का मतलब होता है विच इज नॉट स्ट्रेट या फिर लॉफुल। जो चीज स्ट्रेट और लॉफुल नहीं होती है उसे ही टॉट कहा जाता है, या फिर इन अनदर वर्ड्स विच इज ट्विस्टेड क्रूक्ड और अनलॉफुल। तो ये एक टॉट की डिफिनेशन मोटा माटी है। अब इसके अलावा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू इंग्लिश टर्म, इंग्लिश टर्म रॉन्ग। तो ये रॉन्ग, तो अब इसको हम अनलॉफुल भी कह सकते हैं, इसको हम रॉन्ग भी कह सकते हैं, ये दोनों ही चीजें हैं। अब आगे इसमें टॉट कंसिस्ट ऑफ थॉट्स आर मैनी रॉन्ग्स। तो अगर टॉट की जगह टॉट्स लिखा हो तो ये कई सारे रॉन्ग की बात कर रहा है, मतलब कि कई सारी चीज़ें अनलॉफुल हुई हैं। तो अब हम ये समझते हैं किसी लॉ में टॉट की डिफिनीशन दी हुई है कि नहीं दी हुई है। वैसे तो टॉट की डिफिनीशन किसी भी लॉ के अंडर नहीं दी गई है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में इसकी डिफिनीशन सेक्शन 2M में दी गई है। तो देख लेते हैं सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, द
लिमिटेशन एक्ट 1963 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं 2M क्या बोलता है। 2M में डिफिनीशन है टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो ये एक सिविल रॉन्ग है ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। मैं आगे समझाऊंगा कि क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली breach of contract or breach of trust। तो ये एक डिफिनीशन दी गई है। बाकी लोगों ने भी, कई सारे जो है फिलोसफर्स ने, जूरिस्ट ने इसकी डिफिनेशन और दी है, तो आप वो देख लीजिएगा बुक में। साल्मंड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। साल्मंड हो गए, विनफील्ड की देख लीजिएगा और फ्रेजर की, इन तीनों की डिफिनीशन आप देख लीजिएगा उन्होंने क्या लिखी है। सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है और बाकी सेम ही चीज़ वो लोगों ने भी बताई है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे टॉट क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके। तो हम दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे समझ में आए कि आखिर ये टॉट नामक चीज़ क्या है। तो इसमें एक तो हो गया डिफेमेशन। तो डिफेमेशन भी दो तरह का होता है, सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। लेकिन अभी हम टॉट पढ़ रहे हैं तो केवल सिविल समझ रहे हैं, अभी सिविल और क्रिमिनल आगे जाके समझाऊंगा। तो डिफेमेशन डिफेमेशन होता है टू इंजर रेपुटेशन ऑफ समवन। ठीक है, तो डिफेमेशन को हिंदी में मानहानि भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब आगे है ट्रेसपास। मतलब जबरदस्ती कोई किसी के घर में घुस जाए या फिर उसकी लैंड पे घुसे विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, ट्रेसपास का मतलब ये हो जाएगा टू एंटर to enter the land of someone without his permission, simple है। एक defamation हो गया, trespass हो गया और आपका आगे समझते हैं जो हमने बताया कि डिफिनीशन जो 2M के अंडर बताई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर उस डिफिनीशन को ब्रेक करोगे तो क्या क्या निकल के आएगा और सबको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग।
टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. तो टॉट एक सिविल रॉन्ग है. तो इसमें जो समझने वाली बात होती है कि भाई सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या डिफरेंस है. सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले इसमें केस का इंस्टीट्यूशन कौन करता है, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ केस कौन करता है. इंस्टीट्यूशन ऑफ केस इसमें करता है प्लेंटिफ. तो आप सवाल आ रहा होगा भाई ये प्लेंटिफ क्या होता है. ठीक है, तो हम समझ लेते हैं प्लेंटिफ क्या होता है. प्लेंटिफ वो होता है एक तरीके से जो केस करता है, एक तरीके विक्टिम होता है, केस करता है मतलब सुअर जो स्यू करता है. और किसके स्यू करता है, डिफेंडेंट को. डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट कौन होता है, रॉन्ग डूअर होता है जिसने जिसने गलती की हो. ठीक है, तो ये प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया. ये इसलिए बता दिया, बेसिकली लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं और सीधे पढ़ाने से या फिर रट्टा मार पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है. एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है. और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी ये है इंस्टीट्यूशन ऑफ केस. इधर कौन करता है, ये स्टेट करता है. इसमें स्टेट इंस्टीट्यूशन करता है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. सेकेंड थिंग कंपनसेशन. तो इसमें जो भी कंपनसेशन होगा सिविल रॉन्ग में वो या तो लिक्विडेटेड डैमेज होगा या तो जो है अनलिक्विडेटेड, वो भी समझेंगे. तो इसमें कंपनसेशन मिलता है, यस. और ये लिक्विडेटेड होता है या फिर अनलिक्विडेटेड होता है, अनलिक्विडेटेड होता है. इसमें कंपनसेशन नहीं मिलता है, नो नहीं मिलता है. और इसमें क्या मिलती है, पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर. किसको मिलती है, रॉन्ग डूअर या फिर अक्यूज्ड. ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया सिविल रॉन्ग और जो है क्रिमिनल रॉन्ग में क्या क्या होता है. बेसिक बात ये है, कभी कभी ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें सिविल रॉन्ग भी हो और जो है क्रिमिनल रॉन्ग भी हो. ऐसी स्थिति में उसके जो है दोनों केस जो है कॉन्क्रुएंटली चलेंगे. ठीक है, तो दोनों चीज़ में उसको कंपनसेशन भी मिलेगा सिविल रॉन्ग के तहत और क्रिमिनल रॉन्ग के तहत उसको पनिशमेंट भी मिलेगी. तो बोथ साइमल्टेनियसली चल सकते हैं. ठीक है, ये तो पहली बात थी हमारे डिफिनेशन में. आगे हम देख लेते हैं. दूसरी बात है
टॉट इज अदर देन, दूसरी दूसरा पॉइंट था, टॉट इज अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे पहली बात है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ब्रीच ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें यह है किसी ए व्यक्ति ने बी का रेडियो सेट खरीदने का प्रॉमिस किया किससे, बी से किया प्रॉमिस, ठीक है, लेकिन बाद में इसने नहीं खरीदा, नॉट बॉट, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये होता है कि एक हॉर्स है जो कि ए का है और उसने बी को दिया, लेकिन फॉर द सेफ गार्ड, मतलब उसकी हिफाजत के लिए दिया, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो ऐसे में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है कि टेस्ट क्या होता है, समझने के लिए कि टॉट क्या होता है, एक टेस्ट क्या होगा। तो टेस्ट ये है, सिंपल एक टेस्ट है, सबसे पहले देख लो कोई रॉन्ग सिविल है या फिर क्रिमिनल है। अगर सिविल है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो नहीं आता है, अगर इन दोनों में नहीं आता है तो फिर वो टॉट है। देख लीजिए, ये सिंपल चीज़ है। अब हम थर्ड पॉइंट समझेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। थर्ड है तो इसमें टॉट इज रिट्रेसिबल बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो आप समझेंगे कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है। तो एक तरफ लिख लेते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस।
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? ये होती हैं प्रीवियसली डिटरमाइंड बाई द पार्टीज। भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहले ही तय होता है कि अगर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनसेशन के तौर पे। लेकिन जहाँ टॉर्ट की बात है तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, पहले डिटरमाइंड नहीं होती हैं, नॉट डिटरमाइंड प्रीवियसली, ठीक है, पहले से डिटरमाइंड नहीं होती हैं। ये जो है क्या होता है, ये डिस्क्रीशन ऑफ कोर्ट, डिस्क्रीशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसेंशियल्स क्या हैं टॉर्ट के, और उसके बाद ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसेंशियल क्या हुए टॉर्ट के। यहाँ पर दो एसेंशियल्स हैं टॉर्ट के, पहला दो एसेंशियल हैं, एक है एक्ट आर ओमिशन, एक्ट आर ओमिशन, और दूसरा है लीगल डैमेज, लीगल डैमेज। एक्ट और ओमिशन, एक्ट आपने किसी की रेपुटेशन इंजर कर दी, आपने किसी को भला बुरा कह दिया, और डिफेमेशन में आ गया, आपने कुछ किया, दैट इज़ अ एक्ट। ओमिशन क्या है? नगर निगम है, उसे एक पब्लिक पार्क है, उसको उसकी टेक केयर करनी है, उसमें फेंसिंग करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये ओमिशन है और वो लाइबल होगा। अगर वो सही तरीके से उसकी टेक केयर नहीं करता है तो ये हुआ एक्ट और ओमिशन। तो अब देखते हैं लीगल डैमेज। तो लीगल डैमेज होती है दो प्रकार की, और इसमें भी समझते हैं डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लीगल डैमेज में एक होता है इंजूरिया साइन डैमेनो, और दूसरा होता है डैमेनम साइन इंजूरिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो इंजूरिया साइन डैमेनम क्या होता है? इंजूरिया साइन डैमेनम में क्या होता है कि आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, मतलब डैमेज नहीं हुई है लेकिन
लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो केस हुए, जो लीडिंग था एसबे वर्सेस वाइट, ये लीडिंग केस है। इसका ईयर जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन टॉट में ईयर जरूरी नहीं होता है, टॉट कॉन्स्टिट्यूशन में ईयर जरूरी होता है कि कौन सा किस ईयर में हुआ। तो ये 703 में हुआ है, मैं ये ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। तो एसबी वर्सेस वाइट में क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि एक पर्सन था, चलिए मैं लिख के बताता हूँ, एक पर्सन था उसको वोट देना था, लेकिन आरओ ने, आरओ होता रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास इलेक्शन की पूरी पावर होती है, तो ये इसने रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से इस पर्सन का वोट देने का अधिकार छिन गया, डिप्राइव्ड हो गया। ठीक है, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब इसमें जब वोटिंग राइट्स उसका छिन गया, तो इसमें एक प्रॉब्लम हुई कि इसने जिस पार्टी को वोट किया था वो तो जीत गई, मतलब नहीं दिया था जिसको, वो तो जीत गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप किसी का लीगल राइट छीन नहीं सकते हो। कोर्ट हेल्ड दैट कि आप किसी का लीगल राइट, यू कैन नॉट टेक अवे लीगल राइट ऑफ समवन वेदर देयर इज अ डैमेजेस आर नॉट। यू कैन नॉट टेक अवे, यू कैन नॉट टेक अवे लीगल राइट ऑफ एनी वन ऑफ एनी वन। बाकी आप लिख लीजिएगा, वेदर नहीं लिख देता हूं मैं, वेदर डैमेजेस अकर्ड और नॉट। ये था एसबी वर्सेस वाइट इंजूरिया साइन डेमिनम में। आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। बाकी इस पे मैं दूसरा केस भी करवाता हूँ, वो भी बड़ा फेमस केस है। वायलेशन ऑफ, सो यू डैमेजेस, डैमेज विदाउट, डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट।
इज नॉट एक्शनेबल इन कोर्ट, ये एक्शनेबल नहीं होती कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ हमने एसबे वर्सेस वाइट समझ लिया था, तो एक केस हो गया एसबे वर्सेस वाइट, और दूसरा ये हो गया एसबे वर्सेस वाइट, और दूसरा हो गया आपका भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे एंड के, ठीक है। ये दूसरा केस है। इस केस में क्या हुआ, भीम सिंह वाले केस में क्या हुआ, भीम सिंह वाले केस में क्या हुआ, एक पर्सन, ये जो एमएलए थे वहाँ की असेंबली के, और वो सेशन अटेंड करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, मतलब उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो अपना सेशन असेंबली में अटेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीज़ आपने उसका लीगल राइट का वायलेशन किया है, तो आप लाइबल हो। उन्होंने जब वो असेंबली सेशन जा रहे थे तो गिरफ्तार भी किया, और उसके बाद उनको एक तय समय पर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ता, जो कि उन्होंने नहीं किया। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अभी हम इतना ही समझते हैं। अब आगे इसमें हो गए दो केसेस, भीम सिंह और एसबे वर्सेस वाइट। देखिए, लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा मारिए, लॉ का मतलब चीज़ों को समझना, ठीक है। तो मैं समझाने पे थोड़ा जोर दे रहा हूँ, बाकी जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम के पीडीएफ पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड थिंग, अब इसमें क्या हुआ, इसमें कौन से केसेस थे, तो वो हम केसेस देख लेते हैं। तो एक तो इसमें हो जाएगा ग्लूकोस्टर ग्रामर, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, बहुत पुराना केस है ये, 1410 का है, मे बी 1410 का ही है, 1410 का है ये ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। तो इसमें क्या हुआ, जो डिफेंडेंट तो वो एक स्कूल मास्टर थे, तो उन्होंने क्या ओपन किया, एक स्कूल जिससे प्लेंटिफ को अपने स्कूल की फीस कम करनी पड़ी, मतलब रिड्यूस कर दी फी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। तो जब ये नुकसान हुआ या लॉस हुआ, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि वो लाइबल नहीं है, क्योंकि ये आपको डैमेजेस हो रही हैं, ये आपको जो डैमेजेस हो रही हैं, ये कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, मतलब वो तो उनका अधिकार है कि वो कितना प्रॉफिट ले या फिर वो क्या क्या चेंजेस करें अपने स्कूल में, उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनका नुकसान हो। तो एक केस आपका ये हो गया ग्लूकेस्टर ग्रामर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इंजूरिया साइन डैमनो
और डैमनम साइन इंजूरिया, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड केस भी पूछे जाते हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ समझा दे रहा हूँ, केसेस आराम से लिख देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें एक और केस देख लेते हैं, दो केस और देखेंगे, ठीक है। तो इसमें और दो केसेस देखेंगे, एक तो हो गया मोगुल स्टीम वर्सेस मैकग्रेगर, मैकग्रेगर गो कंपनी, ठीक है। मैकग्रेगर से आप समझ जाओगे इस किस केस की बात हो रही है। तो मोगुल स्टीम में क्या हुआ कि कुछ जो है कंपनीज थी सिप वाली, उन्होंने क्या किया, प्लेंटिव को ट्रेड से बाहर करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट किया और उसे निकालने के लिए फ्राइट रेट, मतलब कि जो किराया पड़ता था सिप का, मतलब यहाँ से चाय ले जानी पड़ती थी ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सिप का किराया कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिससे प्लेंटिव ऑटोमेटिकली ट्रेड से बाहर हो गया और वो कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा कि उनको जो भी डैमेजेस हुए हैं उसमें कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, उन्हें क्या करना है कैसे करना है जिसको भी ट्रेड करना है वो अपने तरीके से इसको समझ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस समझते हैं, वैसे दो ही केस कराने थे लेकिन ये तीसरा केस मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैं ये भी करा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी चित्र सिनेमा। तो इसमें क्या हुआ, उषा बेन वाले केस में एक मूवी आई जय मां संतोषी, तो इसमें दिखाया गया कि गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती संतोषी माँ से जेलस फील कर रही हैं। तो प्लेंटिव चाहते थे इस पे जो है परमानेंट इंजेक्शन दिया जाए, मतलब रोक लगाई जाए इस फिल्म पे। कोर्ट ने कहा कि सबके अपने अपने रिलीजियस व्यू होते हैं, आप उन्हें किसी पे थोप नहीं सकते, ये आपको लग रहा है कि ये लोग कोई लीगल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन सभी को ये बात नहीं लग रही है और ये कोई लीगल राइट का वायलेशन भी नहीं है, इसलिए आप अपने रिलीजियस फीलिंग को दूसरे के ऊपर इम्पोज़ नहीं कर सकते। और ये आज भी यही बात है, आप क्या सोचते हो, आपकी रिलीजियस फीलिंग क्या है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और सबको आर्टिकल 25 के अंडर सबको अपना अपना रिलीजन अपने तरीके से फॉलो करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।